और भविष्य की यात्रा को विराम दें। बहुत से विचार अतीत के, बहुत से विचार भविष्य के और कुछ विचार वर्तमान के। अतीत के विचार स्मृति, भविष्य के विचार योजना या कल्पना, वर्तमान के विचार चिंतन। मन का यही तीन कार्य, स्मृति, चिंतन और कल्पना। या तो अतीत की स्मृतियां, या भविष्य की योजना, या वर्तमान का चिंतन। मानसिक रूप से सजग रहें, धीरे धीरे अतीत और भविष्य की यात्रा को विराम दें। वर्तमान के प्रति सजग हों। वर्तमान यह कि अब मैं सत्र के लिए स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर रहा हूं। मानसिक रूप से सजग रहें, संपूर्ण शरीर में चित्त की यात्रा, चेतना का विस्तार, शरीर के प्रति जागरूक हों। और जहां जहां खिंचाव, तनाव, दर्द, थकान, अकड़न या भारीपन लगे, धीरे धीरे पूरा शरीर शिथिल करें, ढीला छोड़ें, आराम की स्थिति में छोड़ें, शारीरिक शिथिलता का अभ्यास करें। सत्र का आरंभ 3 बार ओम चैंटिंग और सामूहिक प्रार्थना सहना वक्त। भरिए श्वास। सहनावतु सह सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें, हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ लें, पलकों पर रखें, धीरे धीरे आंख खोलें। ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम सभी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा आयोजित फाउंडेशन कोर्स इन योग साइंस फॉर वेलनेस पाठ्यक्रम वीकडेज और वीकेंड दोनों प्रतिभागियों के साथ उपस्थित हैं। और फाउंडेशन कोर्स का जो वीकेंड बैच है उसका तो ये फर्स्ट बैच है, और लाजपत भवन में चल रहे कार्यक्रम के विद्यार्थी भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। हम सभी के बीच में संस्थान के प्रमुख निदेशक महोदय श्री विक्रम सिंह जी उपस्थित हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है। हम सभी सर का भी आज के सत्र में स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से सर का जो विषय क्षेत्र है वो प्रशासन, और संस्थान में जो भी प्रशासनिक कार्य है उसके प्रमुख होने के नाते संस्थान के जितने भी क्रियाकलाप, योग के पाठ्यक्रमों का संचालन है और सारी व्यवस्था है, ये हम सभी बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। इस मायने में कि सर ने प्रत्येक कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेकर जाकर, और मैं समझता हूँ संस्थान के लगभग हर अध्यापकों की कक्षा अटेंड करके, क्लास में जाके पूरे 1 घंटे 2 घंटे समय बिता के ये जानने और समझने की कोशिश की है कि वहाँ किस प्रकार की चुनौतियां हैं और उसे कैसे सुधारा जा सकता है।
तो आप सदैव एक अच्छे मार्गदर्शन के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, अभिभावक के रूप में, संरक्षक के रूप में हम सभी के लिए उपस्थित हैं। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व और स्वाभिमान और सम्मान की बात है। बहुत समय नहीं लेते हुए सर से आज मैं व्यक्तिगत रूप से भी चाहता था, और ये प्रक्रिया भी है कि जो पाठ्यक्रम आप कर रहे हैं वहाँ संस्थान के प्रमुख, क्योंकि उनका दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, संस्थान के प्रमुख जिस प्रकार से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, और जो अवसर वो उपलब्ध करा सकते हैं, मेरे ख्याल से उनका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं सर से एक निवेदन ये करता हूँ कि इस पाठ्यक्रम के बारे में और इसकी भावी योजनाएं, और चूंकि आप आयुष मंत्रालय में बतौर निदेशक हैं, तो क्या कुछ संभावनाएं इस कोर्स या योग प्रोफेशन या इससे संबंधित नीतियों में हो सकती है, इस विषय पर भी कुछ संकेत करेंगे। तो बहुत समय नहीं लेते हुए सर से निवेदन करते हैं कि आज के सत्र को संबोधित करें श्री विक्रम सिंह सर। थैंक यू विनय जी। आते हुए मैं ये सोच रहा था कि क्या बोला जाए, क्या डिस्कस किया जाए, तो फिर दो विषय मैंने विनय जी से भी पूछा कि क्या बताएं, कि ये इन्होंने कहा कि आप बताएं कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है इसमें डाउन। थैंक यू, ऑडिबल हूँ? ओके। तो अभी पिछले सप्ताह में जर्मनी गया था, वहां पे सब लोग आपस में जब इंट्रोडक्शन करा रहे थे तो सबसे अच्छा ये लगा कि जब मैं बताता, बाकी साथी भी थे भारत से, जब मैं बताता था कि मैं योग से संबंधित हूं तो एक एक डिफरेंट टाइप की अटेंशन मिलती थी मुझे, और बाद में लोग बात भी करना चाहते थे, और मोस्टली लोगों ने बताया कि वो योग के बारे में जानते हैं चाहे ना करते, और करना चाहते। तो क्या कस्टेन मिला कि टीचर कहां से ले, ऑथेंटिक योग क्या हो, यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे तो बहुत इंफॉर्मेशन है, तो हमने यही सजेस्ट किया कि आप ऑथेंटिक योग सीखे पहले। योग यूट्यूब से ठीक है, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, पर जब आप एक अच्छे टीचर से सीखते हैं कोई चीज तो आपके बींग में चली जाती है, और सही ढंग से करना चाहते हैं। तो उसमें से बहुत से लोगों ने कहा कि भारत भी आना चाहते हैं और एसोसिएट होना चाहते हैं, तो काफी अच्छा रहा वो सेशन। हमारे पास योग का बहुत स्कोप है, ये एक ऐसा, बेसिकली इसको सॉफ्ट पावर ना कहते हुए इसको इन्फ्लुएंस बोलूंगा मैं, कि हमारे भारत का पूरा इन्फ्लुएंस अगर संसार में और ज्यादा बढ़ सकता है, पहले ही भी है, जो प्रधानमंत्री जी का जो यू नो इनिशिएटिव रहा था जिससे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट हुआ, तो अब हमारा सब, क्योंकि हम अब यहाँ पे कोर्स करके जा रहे हैं, बाद में टीचर भी बनेंगे, तो हमारा कर्तव्य है कि इसको आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो ये कि इस तरह से कोई ना बोले कि योग, हमने पढ़ा है कि बहुत सी बीमारियों को ठीक कर देता है और बहुत परिवर्तन लाता है, लाता है, पर जिन्होंने नहीं किया ना उनको इम्पोसिबल मत बोलो, नहीं तो वो ना समझ नहीं पाएंगे कि अरे कैंसर भी ठीक हो जाएगा, डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी, है ना। कहते हैं ना कि असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो जो करते हैं कहने से नहीं, तो जो प्रैक्टिस करते हैं उनमें बदलाव आएगा, सुनने से बदलाव नहीं आता। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि, और हम सब जानते हैं कि जितना हम एफर्ट करेंगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। जहां तक इसमें जो रोजगार है, तो रोजगार ये है कि हमने अपने यहाँ पे भी प्रयास किए हैं कि योगा टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले, तो मैं डिफरेंट नए नए कोर्सेज, ज्यादा कोर्सेज इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस हो जाएगी, हम पब्लिक के पास जाके भी RWA में भी शुरू करेंगे बहुत सी एक्टिविटीज, और डिफरेंट सेंटर्स भी और खोलेंगे। मतलब मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की बात कर रहा हूँ या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात कर रहा हूँ, पर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी आप एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर और योगा टीचर बन सकते हो। अगर आप विदेश में भी जाते हो तो वहां पे भी बहुत अच्छा स्कोप है, नए लोगों से जो आप मिलोगे तो आप बताएंगे कि आप क्या करते हो, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, एक बुक है एडवर्ड डे बानो की, ए ब्यूटिफुल माइंड, उसमें एक अच्छी बात की गई है कि आपकी बात कौन सुनेगा ध्यान से। वो ये कहता है कि या तो
उस बात को, पुरानी बात को नए तरीके से कहो या कोई नई बात बताओ। तो योग के बारे में भी जब आप कोई नई चीज बताओगे ना, नए सीक्रेट्स बताओगे, तो अट्रैक्टिव रहेगी वो बात। तो जॉब जो है, अगर जो जॉब सीकर्स है उनके लिए मुझे लग रहा है कि एक तो पोटेंशियल आपको बढ़ाना चाहिए, सारे कोर्सेज करने चाहिए, और योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड में जरूर आप बेसिकली रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा भी एफर्ट किए जा रहे हैं कि जॉब चिट्ठी लिखी हमने मंत्रालय की तरफ से सभी स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर को कि जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड में रजिस्टर्ड है ना, उनको आप प्राथमिकता दें, तो वो प्रायोरिटी मिलेगी उन टीचर्स को, क्योंकि सारे के सारे देश में जो है ना लगभग 160,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसमें से 12,500 के आसपास तो आयुष की है, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहां पे भी योगा टीचर्स लगाए जाएंगे। और हमारे जैसे यहाँ पे CGHS सेंटर्स हैं दिल्ली में जो है, उसमें भी योगा इंस्ट्रक्टर्स हम लोग लगा रहे हैं, इंटर्न्स भी ले रहे हैं, तो जो बच्चे यहाँ से योग करके सीखेंगे उनको चांस मिलेगा, है ना, उस अपॉर्चुनिटी को भी आप अवेल करें। दूसरे में एक बात करना चाहता हूं कि जैसे हमने पढ़ा है ना योगा कर्मेषु कौशलम, तो इस पे भी हम बात करना चाहते हैं कि कुशलता कैसे लाए। जैसे आज के टाइम में हम लोग सोचते हैं ना कि हर जगह पढ़ते हैं ना सफलता मिलनी चाहिए, है ना, तो ये सफलता क्या है और योगा सफलता, योग जो है सफलता की प्राप्ति के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, इस पे हम थोड़े इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। मैं भी समझना चाहता हूँ आपका प्रोस्पेक्टिव, है ना, फिर हम बात कर सकते हैं। क्या कोई बता सकता है कि सफलता क्या है? हालांकि हर एज में और हर यू नो डिफरेंट स्पेस में बदल जाते हैं, है ना, सफलता पर, अदरवाइज अभी आज देखते हैं तो देखते हैं, विचारों में देखते हैं, सफलता क्या है, कोई बता सकता है? जी तो संतुष्टि मिल जाना एक काम करने के बाद कि मैं संतुष्ट हूं, है ना, तो सफलता है। और कुछ सर? There cannot be any perfect definition for sabhuta. Bilkul. But it is a stage, of course, which varies at each and every moment and each and every stage of life and also your outer atmosphere. But if you can achieve average health, average wealth, and then maybe can try for spirituality, and if you are well and doing well, for those who are concerned with you, those who have expectation from you and for yourself. But in that, health is very important because that is ultimately can lead to everything. Wonderful, sir. वो डिपेंड करता है एज क्या है। हेल्थ की हम वही बात करेंगे जब हम ना मिडिल एज पे आ जाते हैं, जब हमारे प्रॉब्लम होने लगती है। एज ए चाइल्ड वी आर हैप्पी ना, वी आर हेल्दी, वी नेवर थिंक अबाउट हेल्थ, इजंट इट? सो दैट्स फाइन। सो या वन मोर एंड देन वी एक्शन करते हैं डेली, तो मान लो हमने एक गोल सेट किया है कि हमें ये अचीव करना है, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए जो डेली प्रैक्टिस की जाती है, तो उसका एक गुणनफल जब लास्ट में भी रिजल्ट मिलता है, तो उसको हम एक तरीके से अपनी सफलता मानते हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया, इट मींस मैं अब सफल हो गया इसमें। वो आप किसी भी उसमें ले सकते हो, अपने एजुकेशन में, अपनी हेल्थ में, या फिर वेल्थ में, जिसमें भी आप चाहो, तो बिल्कुल। देखो क्या है, मैं ये डिस्कशन क्यों करना चाहता हूँ कि हम ना अगर किसी चीज की डिटेल में जाते हैं ना, तो नई नई बातें पता चलती है। यहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं है मेरा कुछ, पर हम ये क्या है कि क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ाए, अपने माइंड को यू नो यूजफुल कैसे बनाए रखे, कैसे ओपन रखे। तो जैसे ये इसलिए हमने चालू किया था, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है। मेरी डेफिनेशन ये है कि जिस दिन आप अपने आप से इंस्पायर होने लगोगे ना, वो लगेगा कि आप सही उस पे,
अन्यथा सफलता शॉर्ट टर्म भी है। अगर सपोज आपको एग्जाम देना है ना, इमिडिएटली नेक्स्ट है, तो आपको तो सिर्फ एक ही चीज दिखेगी ना कि यार इसमें पास हो जाऊं, कुछ वेरी शॉर्ट टर्म हो गई है ना। मीडियम टर्म देखेंगे कि भाई मेरे रिलेशंस अच्छे हों, है ना, मैं ठीक पोजीशन पे हूँ, मैं एक फाइनेंशियल, जैसे सर ने बताया, फाइनेंशियल इस लेवल पे पहुंच जाऊं, मेरा फिजिकल मेंटल इमोशनल ये अच्छा हो, है ना। ये तो एक हो गए हमारे लेवल, बट अल्टीमेटली हमें अचीव क्या करना है लॉन्ग टर्म। मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि भाई हम कैसे अपने आप को ऐसे सेट रखें, अगर हम चीजों से कनेक्ट रखेंगे या विचारों से कनेक्ट रखेंगे या ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट रखेंगे, आपको इंस्पायर क्या करता है, आप डिस्कशन क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तीन टाइप के डिस्कशन हो सकते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, मिलेंगे ना दोस्तों की बात करेंगे, उसने ऐसे कर दिया, उसने, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इजंट इट। फिर देन वी टॉक अबाउट थिंग्स, है ना, ये चीजें ऐसी हो गई है, ये चीजें ऐसे हो गई है, कपड़े ऐसे हो गए हैं, जूते ऐसे हैं, मेकअप ऐसा है, डिफरेंट डिफरेंट, है ना, या प्रॉपर्टी की कोई बात करेगा। और तीसरी बात है आइडियाज की, क्या हम आइडिया शेयर करते हैं। आइडिया हमें मूव करता है, हमें एनर्जी देता है। तो मुझे लगता है कि जब भी कोशिश करें हम अपने आप को इन्वॉल्व करें आइडियाज की बात, क्योंकि आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं, और जब आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं तब यूजफुल होते हैं हमारी। अभी लास्ट मंथ जो है एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, है वो कर्मयोगी भारत, ये बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कितने गवर्नमेंट उस सेक्टर में काम करते हैं यहाँ पे, तो आप सब लोगों ने सुना होगा कर्मयोगी भारत का। तो उन्होंने हमें बुलाया था इस, क्योंकि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के भी कोर्सेज वहां पे है, तो डायरेक्टर होने के नाते मुझे बुलाया और एक सवाल पूछा कि आप ये बताइए कर्मचारी से कर्मयोगी कैसे बने। तो अप्रत्याशित था सवाल था, उसी टाइम पूछा था। तो मुझे कुछ ये सुझा, और जो क्योंकि यहाँ पे हम लोग करते हैं वो, तो हमने कहा कि देखिए हम ऐसा मानते हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में हम ऐसा करने की कोशिश की थी, जितना हमें टारगेट दिया जाता है उससे हम ज्यादा अचीव करने की कोशिश करते हैं। और आपको याद होगा, आपने नाम सुना है सवाई राजा मान सिंह, कितनों ने नाम सुना है। अच्छा, जिस पहले अगर मैंने बोला होगा तो ठीक है, जिसने नहीं सुना, सवाई का अर्थ क्या है, सवा, पर उनको सवाई राजा मानसिंह क्यों कहते थे, क्या होता था कि काम देते थे अकबर ना, कि अभी जाके आपको 10,000 सैनिक तैयार करने, वो सवाया करते थे, वो 12,500 तैयार करके कहते थे जी वो आपने जो टारगेट दिया था पूरा हो गया। बोला कितने हो गए, सब बताते कि वो अजी बस 50 कम है मेरे, 10,000 होने में मेरे इतने कम है, वो कहते थे मानसिंह हमेशा क्या करके आते, ज्यादा करके। तो उन्होंने उनको दिया तो सवाई। तो पहली जो जरूरत है ना, आप जो करना चाहते हो सफलता में, हम ये भी बात कर लेते, ये तो ठीक है डेफिनेशन बदलती रहती है, पर इसको अचीव कैसे करें जो हमारे टारगेट्स, तो पहला अचीवमेंट का पहला आवश्यकता ये होती है कि हम कुछ उस तरफ जब बढ़ रहे हैं तो सवाया बढ़, हम उसको ज्यादा करने की कोशिश करें, वो हमारे हाथ में है। हमें अगर डिसाइड कर लिया ना कि भाई हमारा टारगेट ही ऐसा है, अगर आप मैराथन दौड़ते हो, अगर आप ये सोचोगे कि भाई प्रैक्टिस करने में मैं थोड़ा सा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ के ही मैं मैराथन पूरी कर लूंगा, तो ठीक नहीं होगा। आपको अगर अचीव करना है, मेडल लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, उससे ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, isn't it? तो सवाई वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है जो हम पर्सनली उस पे यूज करते हैं, कि फियर भी रहता है ना, कई बार क्या होता है टेंशन रहती है, फियर रहती है। तो अभी हमने पीछे एक वर्कशॉप कराई थी, उसके दो आइडियाज बड़े अच्छे लगे। एक तो पावर पोज, अगर सपोज आपको कोई फियर लग रहा है या इंटरव्यू में जाने से पहले कोई टेंशन है, या एग्जाम में, या कोई भी किसी भी प्रकार का हो सकता है ना, तो पावर पोज बनाए। यहाँ पे हम लोग सिखाते भी है कि यहाँ पे क्यों कौन सी वक्षस्थली वक्षस्थल विकासक वाला, ये वाला तो पावर पोज है। तो पावर पोज में भी अगर आप रह लेंगे तो वो भी हेल्प करता है। तो जो योगा जो है, योग जो है, वो हमें हेल्प करता है ये अचीव करने। और क्योंकि हम बैठ सकते हैं आसन में, अच्छे से बैठ सकते हैं, एडिशनल एफर्ट कर सकते हैं, तो सफलता के लिए ये कैटलिस्ट का काम। और कैटलिस्ट आप समझते हो ना क्या होता है, कोई बता सकता है इधर से कैटलिस्ट क्या होता है, 10वीं तक पढ़ा है ना हमने, इंक्रीजेस
and maybe sometime opposite also decreases the speed of, but normally हाँ बेसिकली कैटलिस्ट हम मल्टीप्लायर को कहते हैं, वो उसमें भाग नहीं लेता, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, केमिकल चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसकी यस प्रोसेस को फास्ट करेगा। तो योग जो है, जो आप कर रहे हो, ये नहीं है कि आपको अच्छा करवाएगा, अगर आप बदमाशियां भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि योग उसको बाय सिंपली टेलिंग, बट अगर आप उसको करते हो तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो अपनी एनर्जी को, अपने एफर्ट्स को, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो और मैं इनफैक्ट मैं आता हूं इसलिए उनकी मुझे फीडबैक चाहिए, मेरा तो काम ये है ना कि ठीक, मतलब प्रोसेस को मैं ऐसे जनरली मानता हूं कि काम अपने आप ठीक नहीं होता, काम को देखना पड़ता है। भगत सिंह ने भी अपने भाई को जेल से एक चिट्ठी लिखी थी और उसके तीन शब्द बड़े इंपॉर्टेंट थे कि जीना सिर्फ सांस लेना नहीं है, हमें अपने शरीर की हर इंद्री, अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को यूज करना था। और कैसे कर सकते हैं हम, अवेयर, अलर्ट और एक्टिव है। अगर हम अवेयर होना बहुत जरूरी है, हर जगह कहते हैं ना, अभी अभी बता रहे थे कि आप शरीर के प्रति अवेयर हो जाइए, है ना, क्लास में भी पढ़ा है, तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अवेयर होना सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। और विवेकानंद ने भी कहा है ना, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट, तो ये क्या बता रहा है कि एफर्ट करना है। और कल एक हमारे यहाँ पे ना विद्वान आए थे, तो उन्होंने मैंने उनसे बातचीत की कि भाई ये जो सफलता है इसका राज क्या है, तो उन्होंने पता है, बोलते मैं आपको सीक्रेट बताता, और जिन लोगों ने सीखा है वो है परिश्रम, अखंड परिश्रम। बड़ा सिंपल सा सीक्रेट है, आपको आपका मान सम्मान और आप संपन्नता, बेसिकली मेन चीज में क्या देखते हैं ना, जिसका मान सम्मान हो, जिसके फॉलोअर ज्यादा हो, जो संपन्न हो गया ना सर, ये बेसिक चीजें तो मिल जाएगी, वो दूसरे ऐसा सोचते ही सफल है। सेल्फ के लिए मैं ऐसा सोचता हूं कि क्या मैं अपने आप को इंस्पायर कर रहा हूं, अगर मैंने अपने पुराना इतिहास देखा, मैंने अपना जो जीवन जिया है, जो मैंने अपनी डायरी लिख ली है, क्या वो मुझे इंस्पायर करती है? पर अगर मैं मेहनत करूंगा, ये अचीव करूंगा, तो डेफिनेटली वो इंस्पायर। तो ये बेसिकली डिस्कशन का बता। दूसरा एक और आइडिया मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसे चाहता हूं इंट्रैक्शन हो तो आइडिया शेयर, क्योंकि पता नहीं ना कोई आइडिया क्लिक कर जाए। बचपन में मुझे वो था, और एक पता नहीं कहां से ये हो गया कि ईश्वर उसकी मदद करे जो बुरे काम को त्यागे, ये पढ़ लिया मुझे। अब मैं इसको सोचा कि क्या मीनिंग है, तो जब भी कोई कठिनाई आती थी, किसी गंदी संगत में पड़ता था, या कोई झूठ बोल दिया, या चोरी करने की वो करता था, तो अचानक ये बात याद आती थी, अरे ईश्वर उसकी हेल्प करता है जो अगर उसको त्याग दे तो छोड़ देते, तो उससे क्या हुई कि आदतें गंदी नहीं पड़ी। आपको आदत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप इस बात को कोई भी आइडिया हो, क्योंकि ईश्वर से हेल्प करेगा, और ईश्वर तो हर जगह है, वो तो आपको कहीं भी हेल्प कर देगा। तो विचारों को लेना है, विचारों को रखना है, और विचारों को डायरी में लिखना है। अगर आप नहीं डायरी लिखते तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सब लोग अपनी डायरी में लिखें, उसमें अपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखें, कोई नए आइडिया है वो लिखें, कुछ करना चाहते हैं अपनी इंस्पिरेशंस लिखें, अपनी ड्रीम्स लिखें कि मैं क्या करना चाहते हूं, तो लिखे हुए चीजें जो है ना वो फुलफिल होती है हमारी। अभी पीछे एक वक्ता हमें बुलाया था, हम बुलाते रहते हैं ऐसे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर किसी दो दो उनको शंखाओं को मिलाया गुणा किया जाए तो वो बढ़ते हैं कि घटते हैं? दो गुना दो, चार गुना चार, पांच गुना पांच, ठीक है, जमा भी, गुणा भी एक तरह से जमा है, सरप्राइजिंगली ये है, हम वैसा सोचते हैं, लेकिन ये जब हुआ जब हम सवाया काम करते हैं ना, अगर 1.25 into 1.25 अगर किया जाए तो उससे ज्यादा होगा, लेकिन अगर यही काम फ्रिक्शन में किया जाए तो मल्टीप्लाई 0.9 into 0.9 0.81, वो 0.9 से कम है, अर्थात अगर हम खुद में भी अपने एफर्ट को थोड़ा कम करते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार अचीव कर लिया, आह चलो इतना तो अचीव कर गया,
तो क्या है ओवर द पीरियड वो कम होता जाए। तो आइडिया क्या है कि कोशिश करें कि हम ज्यादा ये एक हैबिट में बना, ठीक है ना। तो ये एक जो है एक सीक्रेट है जो सफलता के लिए भी हो सकता है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं ये संभव हो जाएगा जब आप ज्यादा काम। और कोई फीडबैक देना चाहे और अपना कोई आइडिया शेयर करना चाहे जिसपे हम बातचीत कर ले। यस प्लीज। सर अगर आप सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और इनकी लाइफ देखें ना, मेरे छोटे भाई के क्लासमेट है वीरेंद्र सहवाग, तो बताते कि भाई हम तो खेल के चले आते थे। मेरा छोटा भाई बताता हम तो खेल के चले आते थे, तो वीरेंद्र सहवाग वहीं रहता था कि अच्छा दूसरे गांव के बच्चे आ जाएंगे उनके साथ भी खेल, है ना। तेंदुलकर ने भी ये लिखा है कि मैं मुझे इसके अलावा कुछ और चीज सोचती नहीं थी। क्या होता है कि जब हम इसका एक ये भी है, जब ये एक्स्ट्रा कहने की हम बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि हमें अपना रास्ता ढूंढना है। हमें पता है सबसे बड़ा हमारे अंदर टीचर कौन है मालूम है, स्वयं। आप लोगों के टीचर्स ने बताया है ना कि अपने शरीर की क्षमता अनुसार, है ना। तो हमें पता रहता है जैसे हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी हमेशा टीचर का भी होना। एकलव्य ने ये सिखाया कि टीचर का प्रेजेंट होना फिजिकली जरूरी नहीं है। हम अज्यूम भी कर ले कि हमें कोई गाइड कर रहे हैं तो हमारे चीजें आ जाएंगी। एक्चुअली चीजों में ये लाइफ जो है ना, कई बार क्या है यूनिवर्स मैजिक भी है, इजंट इट। कई बार ऐसी चीजें भी हो जाएंगी जो हमने सोची भी नहीं है, राइट। तो जब आपको लगता है तो डेफिनेटली आप ढूंढेंगे ना चारों तरफ की कौन मुझे गाइड कर सकता है, तो आपको गाइडेंस वाला भी मिल जाएगा। और अगर संस्थान की कोई इश्यू है तो संस्थान में आप एस्केलेट कर सकते हैं, टीचर हेल्प नहीं कर रहे तो आप डायरेक्टर ऑफिस में बता दीजिए, हम लोग तो फिर करेंगे क्योंकि मेरा तो काम। जी और कोई कुछ कहना चाहे। कुछ स्टूडेंट ने क्लास में पूछा था कि फाउंडेशन कोर्स करने के बाद सारे जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, तो साधना की दृष्टि से उनकी वृद्धि होने के लिए क्या कोई संस्थान में इस प्रकार से कोर्स वगैरह हो सकता है, जो आज पहले प्राणायाम ध्यान के लिए भी अरण्य वर्क होते थे। हाँ ये अच्छा वो है सजेशन। मैं एक और इसी से आइडिया है कि आप लोग ना सिर्फ कहने से नहीं, आप एक लिख के भी दे दें, मेल भी कर दें। अगर आप कई बार ऐसा होता है ना नाम नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे तो बिना नाम के भी भेज सकते हैं, आप मेरे ऑफिस में भेज दे कुछ भी। हम सिर्फ क्या चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमें करना क्या। कई बार क्या है कि हम चारों तरफ से हम भी अवेयर होना चाहते हैं, है ना, कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे। और मेडिटेशन का डेफिनेटली कुछ नए जो है, जैसे षटकर्म है, मैंने विनय जी को रिक्वेस्ट किया है, हमने अभी जैसे महीने के कोर्स में आपने जो षटकर्म किया वो लिमिटेड किया है, इजंट इट, एक ही दिन किया, आज के दिन ही किया। तो हम ये चाहते हैं ये वाला, क्योंकि जैसे पंचकर्म है आयुर्वेदा में, योगा का जो षटकर्म है वो भी बड़ा इफेक्टिव है। तो हम इसके लिए एक एक्सक्लूसिवली कोर्स ही जल्दी चालू करेंगे, और मुझे लग रहा है कि वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो वो जरूर ज्वाइन करें। ठीक है विनय जी, तो थोड़ा इसको एक्सपीडाइट कर लें। ठीक जी, आप कुछ कह रहे थे, एक बीच में किसी का हाथ उठा। तो इस अदर पर्सपेक्टिव को कैसे आगे लेके जाएंगे। हमारा मैं भी इस बात को समझता हूँ कि हम योगासन तक सीमित ना रहे, योगासन तो अब एक स्पोर्ट हो गया। हाँ एक और बताना था कि अभी जो है खेल मंत्रालय ने योगासन को एज ए स्पोर्ट भी डिक्लेयर किया, आपको पता है ना। तो इसमें जो स्पोर्ट्स के अंदर भी जो वैकेंसीज होती है ना स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी, वो भी उसको आप फायदा उठा के और नौकरी पा सकते हैं। और ये एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में और फ्यूचर में ओलंपिक्स में भी इसका सम्मिलित होने की संभावना है। तो उसके लिए अभी से आप तैयारी कर दोगे तो आप वहां तक पहुंच सकते हो।
ठीक है, यस सर। देखो एजुकेशन के लिए तो अब पूरा ट्रेंड यही हो रहा है कि कोई एज बार नहीं होनी चाहिए। एमबीबीएस करने के लिए भी अब तो एज बार हटा दिए है ना, सारे के सारे कोर्सेज के लिए एज बार अब मुझे लगता नहीं कि कोई रखनी चाहिए, और होगी तो भी खत्म हो जाएगी। तो अभी मुझे ध्यान में नहीं रहा किसी के ऊपर शायद कोई एज बार नहीं। हमने यहाँ से तो सब एज बार खत्म कर चुके हैं, सब कोर्सेज कर सकते हो। और अगर आरएवी के भी जो कोर्सेज होंगे उनमें भी एज बार नहीं होगी, क्योंकि लर्निंग के लिए कोई एज बार की आवश्यकता नहीं है ना सीखने के लिए। ठीक है, तो योग के बारे में तो और चर्चा विनय भारती जी करेंगे, और अगर फीडबैक मुझे देनी हो तो आप मेल कर सकते हो, चिट्ठी लिख सकते हो, हाथ से नोट भेज सकते हो, और इजी रहेगा क्योंकि वो उससे क्या है एक्शन लेने में जल्दी होती है ना, आसानी होती है। मंडे लग जाएगी मैं लिख के नहीं दी होगी आप, वही हम बता रहे। आप अगर बड़े ऑफिस तक कोई लिखित में कोई चीज, नाम की जरूरत नहीं है किसने दिया है, पर अगर मुझे कहीं पता भी चल जाए ना, क्या होता है ना बहुत सी चीजें रहती है, अगर आप मैं दे दिया अभी मैं जाके कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा तो काम हो जाएगा, वहां पे पहुंचनी चाहिए हमारे तक तो हम एक्शन लेते। थैंक यू सो मच फॉर द सजेशंस, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। कुछ तो समय दे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक 10-12-15 मिनट बस। बहुत धन्यवाद सर। सर से संबंधित एक बात आप सभी से साझा करना चाहता हूं, सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि कुछ अलग और अधिक करने की प्रयोजन से सर का जो एक पसंदीदा विषय क्षेत्र है साहित्य, और इस संबंध में सर ने एक पुस्तक लिखी है चेतना स्रोत भगत सिंह। ये पुस्तक बहुत ही, जब पहली बार मैंने सुना अगले ही दिन मैंने ऑर्डर किया, अमेजन पे अवेलेबल है, पढ़िए जरूर। और बहुत कुछ बातें जो सर कहते हैं काफ़ी कुछ उसमें एक एक शब्द ही रिपीट होते हैं क्योंकि आपका लिखा हुआ है, और बड़ी कमाल की किताब है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि जब भी समय मिले इसको जरूर मंगाएं और अक्षरशः एक एक लाइन पढ़ें, हर लाइन एक नवीन प्रकार का अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और हम सभी को एक दिशा निर्देश मार्गदर्शन दिया। मेरे पास समय की चुनौती है, 10-15 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूंगा। वीकेंड कोर्स का कुछ सिलेबस रह गया उसको भी पूरा कर देता हूं। देखिए हम सभी यहाँ जो कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स का प्रयोजन क्या है बड़ा स्पष्ट है कि यह कोर्स बहुत बेसिक कोर्स है, और इसके बाद क्योंकि ये शुरुआत है आपकी फाउंडेशन कोर्स इन योग साइंस फॉर वेलनेस, योग में आधिकारिक तौर से और बल्कि बड़े सुनियोजित तरीके से आप जो है क्रमबद्ध तरीके से योग के सभी क्रियाओं को सीखते हैं, 50 घंटे मेहनत करते हैं, और 50 घंटे मेहनत के बाद 1 घंटे अभ्यास स्व अभ्यास कर सकें, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकें, इस हिसाब से क्रियाओं को करते हैं और उसके बारे में जानकारी भी लेते हैं, दैनिक जीवन में इसका अभ्यास कर सकें और इस अभ्यास को सीखने के बाद अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ सकें। यह पाठ्यक्रम कदापि आपको किसी भी रूप में योग शिक्षक चिकित्सक प्रमाणित नहीं करता, इसलिए अधिकृत रूप से आप अभी अध्यापक या चिकित्सक नहीं बन जाते, इस बात का भी ध्यान हो, और आगे प्रोफेशनल कोर्स भी करें इस प्रमाण पत्र के आधार पर विदेश यात्रा अथवा कोई हेल्थ सेंटर आदि चलाने की योग्यता भी नहीं होती, इस बात को भी जानना। दूसरा क्या है कि योग हम क्यों करते हैं, इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं, 3 प्रमुख इसके विकल्प हैं, साधना, स्वास्थ्य और चिकित्सा। अधिकांश लोग योग इसलिए करते हैं क्योंकि योग शब्द सुनते ही मन में किसी न किसी बीमारी के उपचार की बात आती है, और जैसे आपके पास पड़ोस में रह रहे लोग भी यदि ये जाने कि आप योग करते हैं तो तुरंत पूछेंगे मुझे कमर दर्द है, मुझे किस प्रकार का अभ्यास करना है, या अलग अलग बीमारियों का नाम लेकर के आपसे उत्सुक रहते हैं। किंतु हमारी उपस्थिति यहाँ स्वास्थ्य उन्नति के लिए, हेल्थ एंड वेलनेस के लिए है, और इसलिए स्वास्थ्य उन्नति के लिए भी हम योग का अभ्यास करते हैं। किंतु शास्त्रीय जो पद्धति है,
जो ट्रेडिशनल या परंपरागत जो पद्धति है वह साधना पद्धति है और यह बहुत विस्तृत और बड़े आयाम वाली है। स्वास्थ्य की परिभाषा, विश्व स्वास्थ्य संगठन चार प्रमुख तत्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने को समग्र स्वास्थ्य कहते हैं। किसी एक पक्ष की कमी स्वास्थ्य को निश्चित रूप से समग्रता से प्रस्तुत नहीं करती। हो सकता है कि शारीरिक सौष्ठव वाले बहुत से लोग मानसिक संयम या संतुलन न रखें और ये देखने में आता है सामान्य रूप से कि कई बार अपराध जगत में ऐसे बच्चे दिखते हैं और मैं बिना नाम लिए संकेत करता हूँ, रेसलिंग के बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी आप नाम समझ पा रहे होंगे जो गलत कार्यों में प्रवृत्त हुए और सजा भुगत रहे हैं। तो इतनी अच्छी उपलब्धि शारीरिक स्वस्थता होने के बावजूद यदि मानसिक रूप से संयमित नहीं है या आध्यात्मिक संपन्नता नहीं है तो कहीं ना कहीं ये समग्र स्वास्थ्य होता नहीं है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कह रहा है कि शरीर के साथ साथ मन और सामाजिक संबंधों और आध्यात्मिकता के आधार पर भी स्वास्थ्य जरूरी है। पूरे लेक्चर की ये स्लाइड सबसे महत्वपूर्ण है। 11 बजे आपका दूसरा प्रोग्राम है इसलिए मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ। ये पूरा पाठ्यक्रम डिजाइन करने के पीछे जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो इसका फाउंडेशन है। हम यहाँ जो भी चीज सीख या सिखा रहे हैं उसकी अपनी एक समृद्ध परंपरा है। वो कोई दिन दो दिन, महीने दो महीने या साल दो साल की बात नहीं है। एक समृद्ध परंपरा ने उसका अनुपालन किया और जा करके जो चीजें सिद्धांत प्रतिपादित किए, अभ्यास की विधि बताई, उसको उसी अनुरूप सीखने का हम अभ्यास कर रहे हैं। और उसी क्रम में सबसे पहले हम ये सीखते और जानते हैं कि हमारा लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। जिस शरीर को हम एक सिंगल यूनिट समझकर इस पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, इस पर अनुसंधान करते हैं, इस पर सर्जरी करते हैं, सिंगल यूनिट, वास्तव में यह शरीर एक सिंगल यूनिट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये मल्टीपल एग्जिस्टेंस का एक सही कोऑर्डिनेशन है और इसीलिए हम जब योग के ट्रेडिशनल अप्रोच को देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि स्थूल शरीर जो कुछ बाहर से दृश्यमान है यह स्थूल शरीर है, किंतु यह अपने आप फंक्शनल नहीं है। इसको चलाने वाला सूक्ष्म शरीर है, 17 तत्वों वाला, और उससे भी सूक्ष्म कारण शरीर है। ठीक वैसे ही जैसे इसकी स्क्रीन पर आप कुछ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं है, सारा प्रोजेक्टर से गवर्न हो रहा। एक बार प्रोजेक्टर बंद होने के बाद यहाँ कुछ भी नहीं है और वो प्रोजेक्टर में भी कुछ नहीं है, उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो वहां से गवर्न हो रहा है। इसलिए तीन लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस हमें समझना है। एक स्क्रीन स्थूल शरीर, इसको गवर्न करने वाला सूक्ष्म शरीर और उसको गवर्न करने वाला कारण शरीर। उपनिषद में सिद्धांतों पर वो विस्तार से चर्चा है और वहां इस बात को विशेष रूप से कहा गया एक कहानी के माध्यम से। कहानी मैं जल्दी से सुना देता हूँ, कहानी से सुनना या समझना आसान होता है। उपनिषद की कहानी है और उपनिषद में तैतरेय उपनिषद एक उपनिषद है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर सीखना। प्रारंभिक जो प्रक्रिया थी सीखने सिखाने की वो गुरु के सानिध्य में रह करके सीखते थे, तो उस समय शिष्य के मन में जो भी जिज्ञासा आती थी गुरु उसका समाधान देते थे। अभी की जिज्ञासा का समाधान गुरु नहीं गूगल देता है, किंतु गूगल में सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं हो सकती, अब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन ही नॉलेज है। तो गूगल से गुमराह हो सकते हैं, गुरु से गुमराह नहीं हो सकते। तो शिष्य के मन में यह प्रश्न आया कि मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। वो गए, गुरु जी को प्रणाम किया, बोला मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा यह अच्छी बात है, सबके मन में यह प्रश्न आता है, कभी न कभी जीवन में यह प्रश्न हमारे आपके भी आया होगा, हु एम आई, मैं कौन हूँ। विशेष रूप से जब हम कष्ट में होते हैं, एकांत होते हैं, उदास और हताश होते हैं, तब तो ये प्रश्न आता ही है, मैं कौन। तो ये प्रश्न आने के बाद यदि आप इसके समाधान की ओर आगे बढ़े ये एक अच्छी बात। शिष्य के पूछने पर गुरुजी ने कहा इसका समाधान यह है कि आप जाएं ध्यानासन में बैठें, स्वयं से यही प्रश्न कई बार दोहराएंगे तो उत्तर मिलेगा। गए, गुरु आदेश था, कोई संशय हो नहीं सकता था, और बैठे ध्यानासन, पूछते पूछते स्वयं से मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं, अचानक एक उत्तर मिला, मैं शरीर हूं। क्योंकि यह शरीर जहां जहां रहता है वहां मेरी उपस्थिति लगती है, जहां नहीं रहता मेरी वहां अब्सेंट हो जाती है। जैसे इस समय सभी यहां उपस्थित हैं, शरीर से तो यहां प्रेजेंट लग गई, घर पे इस समय अब्सेंट है। 2 घंटे बाद यहां अब्सेंट रहेंगे, घर पे प्रेजेंट हो जाएंगे, घर पे या जहां भी आप रहेंगे। ये शरीर जहां जहां जाता है मेरी वहां उपस्थिति होती,
ये शरीर जहां नहीं रहता मेरी वहां अनुपस्थिति हो जाती है। इस प्रमाण इस व्यवहार के आधार पर शिष्य ने कहा गुरु जी को जाकर के कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, मैं शरीर हूं। गुरु जी ने कहा उत्तर ठीक है लेकिन अधूरा, पूरा उत्तर नहीं है ये। पूरा उत्तर कैसे मिलेगा? फिर वही जाइए ध्यानासन बैठिए, स्वयं से प्रश्न पूछिए। बार बार प्रश्न पूछा मैं कौन हूं, अचानक एक उत्तर मिला मैं केवल शरीर नहीं हूं, डेड बॉडी मृत शरीर भी सामने पड़ा रहता और लोग विलाप करते हैं, रुदन क्रंदन करते हैं, रो रहे होते हैं और उस व्यक्ति का नाम सब जगह से हटाया जा रहा होता है। तो उस शरीर और हमारे शरीर में कोई तो बेसिक डिफरेंस है। शरीर तो वह भी है, शरीर यह भी है, लेकिन उस शरीर में कुछ ऐसी बातें हैं जो मिसिंग है, जो नहीं है, जो हमारे शरीर में है। उस शरीर के सारे अंग आपस में न तो फंक्शनल है न कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। शरीर तो है लेकिन उसमें प्राण तत्व नहीं होने से वह मृत शरीर है और हमारे अंदर प्राण तत्व होने से हम सक्रिय शरीर। तो इसीलिए मृत शरीर को कहते हैं प्राणांत हो गया, प्राण का अंत हो गया। तो मैं केवल शरीर तो नहीं हो सकता, मैं शरीर भी हूं और प्राण भी हूं। तो यह उत्तर बताया गुरु जी ने, कहा मैं शरीर हूं प्राण हूं यह ठीक है लेकिन उत्तर अधूरा है। फिर गए साधना करते करते एक और उत्तर मिला, मैं केवल शरीर और प्राण नहीं हो सकता, मेरी उपस्थिति इससे अलग कुछ और है। जैसे इस क्लास कक्षा में सभी लोग बैठे हैं, सभी शरीर के साथ बैठे हैं, इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं। सभी प्राण के साथ हैं, इसमें कोई संदेह है क्या? लेकिन संदेह अगले विषय पर है, सभी मन के साथ हैं कि नहीं इसमें संदेह है। कुछ देर आप यहां रहते हैं और अधिकांश समय आप बाहर रहते हैं। जिस समय आप बाहर रहते हैं उसमें बाहर ही रहते हैं, फिर यहाँ के बोले गए शब्द और दृश्य दिखाई नहीं देते, ना शब्द सुनाई देंगे ना दृश्य दिखाई देगा। तो मन के आधार पर हमारी गति होती है, इसलिए मैं शरीर प्राण ही नहीं मैं मन हूं। गुरु जी ने कहा यह उत्तर ठीक है लेकिन अधूरा। गए साधना करते करते एक और उत्तर मिला, जो मन अतीत में गया या भविष्य में गया वो वापस कैसे आया, किसमें वो सामर्थ्य है जो मन को नियंत्रित करता है? उत्तर मिला बुद्धि, बुद्धि मन को नियंत्रित करती है। योग निद्रा का अभ्यास करते हैं आप लोग, किया है कभी? शवासन में लेट के कहते हैं आंख बंद कर लीजिए, शवासन लेट जाइए, दाहिने पैर के अंगूठे को देखिए, सुना है ना इसे? अभी जैसे मैं आपको बोलूं कि दाहिने पैर के अंगूठे को देखिए, यकीन मानिए अभी दिखा, इसके पहले नहीं दिख रहा था। जिस समय बुद्धि नियंत्रित करती है मन को, बुद्धि कहती है अंगूठा देखो, मतलब उसी समय अनुभूति हुई, उसके पहले अंगूठा 24 घंटे हमारे साथ है पैर का और मेरा ध्यान एक बार भी नहीं होता। तो जैसे जैसे बुद्धि कहती है मन उसका अनुगामी है, वैसे वैसे अनुभूति होती है, जैसे मन करता है वैसे प्राण और जैसे प्राण कहे वैसे शरीर की स्थिति गति और दिशा हो जाती है। उन्होंने कहा मैं शरीर हूं मैं प्राण हूं मैं मन हूं मैं बुद्धि हूं। उन्होंने कहा यह उत्तर ठीक है लेकिन अधूरा है। गए दोबारा नहीं आए आश्रम में, बार बार एक नई जिज्ञासा रहती थी कि हर बार एक नया उत्तर, मैं शरीर हूं प्राण हूं मन हूं बुद्धि हूं। इस बार वो नहीं आया, क्या हुआ? इस बार उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया, मैं विशुद्ध आनंद हूं। वह आनंद की अनुभूति कर ली, उसमें स्थापित हो गए, अब उनकी क्रेविंग समाप्त हो गई, ये जो जिज्ञासा थी वो समाप्त हो गई। क्योंकि यही मूल बात है और हम सभी की जो स्थिति है वो यही 5 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है। एट ए टाइम एक ही समय हम 5 लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। शरीर पर बोलिए शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आनंद, एक ही समय पर हम 5 लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए जब योग का अभ्यास करते हैं तो ये समग्रता वाला अभ्यास होना चाहिए। 5 लेवल का नाम है योग में, शरीर पक्ष के साथ हमारी उपस्थिति, अन्न से बना शरीर इसलिए अन्नमय कोष, क्या है? प्राण के साथ हमारी उपस्थिति प्राणमय कोष, मन के साथ उपस्थिति मनोमय कोष, बुद्धि के साथ उपस्थिति विज्ञानमय कोष और आनंद के साथ उपस्थिति। आनंद हमारा कोर नेचर है, जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो भी, वह सिर्फ और सिर्फ टू अचीव द स्टेट ऑफ ब्लिस, आनंद पाने के लिए। एक व्यक्ति यदि जेब भी काटने का काम कर रहा है, जेब कतरे का, वास्तव में उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसलिए वो वही आनंद खोज रहा है, खोज आनंद ही रहा है। बुद्धि सही काम करेगी तो सही दिशा में आनंद की यात्रा चलेगी और नहीं तो भ्रम में चलेगी, लेकिन यात्रा तो चली रही है।
तो हमें ये देखना है कि पांचों लेवल को रिप्रेजेंट करने वाली प्रैक्टिसेस को एक साथ जोड़ करके हम प्रोटोकॉल बनाएं। और इसीलिए चार पांच महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ब्रीदिंग रेक्टिफिकेशन है, श्वास में सुधार, दिनचर्या में सुधार, आहार में शुद्धि और योग का अभ्यास करेंगे, तो ये मुख्य बात है। पांचों लेवल को नरिश करने के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव प्रैक्टिस होती है। जैसे अन्नमय कोष के लिए बहुत सी शुद्धि क्रियाएं, सत्कर्म, सूक्ष्म स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन। प्राणमय कोष के शुद्धि या नरिशमेंट के लिए, स्वास्थ्य उन्नति के लिए प्राणायाम, दीर्घ श्वास प्रश्वास, श्वास प्रेक्षा। मन के स्वास्थ्य के लिए योग निद्रा, रिलैक्सेशन आदि का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास। बुद्धि के लिए सत्संग, स्वाध्याय और परामर्श। और आनंद के लिए भक्ति मार्ग या प्रार्थना। इसलिए योग के प्रोटोकॉल आपके पूरे सिलेबस में है, योगा मॉड्यूल फॉर 1 आवर, 30 मिनट, 45 मिनट। इस तरीके से हम एक सिस्टम प्रोटोकॉल बनाते हैं, जिसमें शुरुआत सदैव प्रार्थना से, उसके बाद सटकर्म की कोई क्रिया जो आपने सीखी है, कुंजल, सूतनेति, जलनेति, कपालभाति, सूक्ष्म स्थूल व्यायाम की सेलेक्टिव क्रियाएं, सूर्य नमस्कार, योगासन, ऐसे जो हर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के कम से कम एक आसन और एक या दो प्राणायाम, कुछ मुद्रा और योग निद्रा, ये पूरा एक घंटे में इस क्रम से आपको सीखना है। प्रार्थना कुछ इस प्रकार से, सटकर्म की क्रियाएं जो आप देख पा रहे हैं, कुंजल है, वस्त्र धोती, वस्त्र धोती में जो व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, ये स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हैं, जो इस संस्थान के संस्थापक सदस्य रहे हैं और जिनके विशेष प्रयास से ही यौगिक सूक्ष्म व्यायाम आदि का प्रतिपादन हुआ है। सूत्रनीति और जलनीति का अभ्यास देख रहे हैं, त्राटक और कपालभाति, नौली आदि इस स्टेज में तो नहीं लेकिन आगे के पाठ्यक्रम में सीखेंगे, सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, योगासन, अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी डायमेंशन के रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के आसन। ऐसा नहीं कि बैकवर्ड बेंडिंग चार आसन और फॉरवर्ड बेंडिंग एक या एक भी नहीं, तो हमें देखना है आसनों के क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी रिप्रेजेंटेटिव आसनों का एक आसन कम से कम प्रोटोकॉल में होना चाहिए, कुछ प्राणायाम। और इस प्रकार से स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी बार बार कहते थे, योग जानने का विषय नहीं, अभ्यास का विषय, अभ्यास करते करते जान जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात कही, समय सीमा ध्यान में रखते हुए, फिर भी 6 मिनट लेट हो गया हूं, तो क्षमा प्रार्थी हूँ समय अतिक्रमण के लिए। अब मैं निवेदन करता हूँ, मीडिया प्रभाग के बहुत से अधिकारी हम सभी के बीच में हैं और जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं इस बात पर, क्योंकि पूरे संस्थान में राष्ट्रीय एकता सप्ताह मनाया जा रहा है और कल उस पर विशेष व्याख्यान भी था, आज उस संबंधित एक चलचित्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मैं श्री संतोष जी और सुश्री कोमल जी से अनुरोध करता हूं कि इस विषय को आगे जैसे वो गाइड करना चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते आप सभी को। पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम कोमल है और मैं आप लोगों की मीडिया डिपार्टमेंट से हूँ। जैसे कि मतलब आप लोगों ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम मोरारजी देसाई का कुछ लोगों ने फॉलो किया होगा और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज वहां पे फॉलो कर दीजिए। और इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम मोरारजी देसाई में, जैसे सर ने बताया, विनय सर ने, हम एक राष्ट्रीय एकता सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं जो 25 से 31 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। और इसके अंदर हम लोग डेली बेसिस पे 25 से लेके 31 तक बहुत सारे फेस्टिवल्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज हम लोग एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को दिखाना चाहते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लाइफ पे है। और एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जिसके थ्रू आप उनकी लाइफ, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसके बाद कल हम लोगों का एक आर्टवर्क कॉम्पिटिशन है। बेसिकली आर्टवर्क कॉम्पिटिशन ऑनलाइन मोड पे है और उसमें कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस भी हमने रखे हैं। 4 प्राइजेस होंगे,
फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज एंड कॉन्सोलेशन प्राइज। तो इसकी एंट्रीज आप लोगों को ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। ये कॉम्पिटिशन अभी हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे लाइव है। जो जो ज्वाइन करना चाहता है आप लोग पर्टिकुलर हैशटैग यूज कर कर जो हम लोगों ने फेसबुक पे दिया है और एमबीएन माई को टैग कर कर आप लोग अपनी पेंटिंग्स या अपने जो भी आर्टवर्क आपका, ड्रॉइंग, स्केचिंग, वो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो आर्टवर्क है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ पे होना चाहिए। उनके उनकी लाइफ का कोई भी चैप्टर, कोई भी पंक्ति, कोई भी कोट, किसी को भी आप जैसे अपने तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें उसी तरीके से आप कर सकते हैं एक आर्टवर्क की फॉर्म में। एंड इसके साथ साथ एक और चीज है, उसके बाद हमारा कल्चरल प्रोग्राम है 30 तारीख को, उसमें भी आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कल्चरल प्रोग्राम 2 बजे के बाद स्टार्ट होगा जिसमें योगा फ्यूजन और बहुत सारी चीजें होंगी। एंड 31 तारीख को हमारा योगा फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी है बेसिकली। जो बच्चे, जो भी बच्चे उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो सुबह 5 बजे आप MDNY सीधा आ सकते हैं। यहीं से आप लोगों को वहां पे प्लेस पे लेकर जाया जाएगा। उसके साथ साथ आप लोगों की आई थिंक शर्ट्स और लोअर दोनों आप लोगों से साइजेस ले होंगे, तो वो भी आप लोगों को दिए जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट ये पूरा वीक जो है आप हम लोगों को ज्वाइन कीजिए, हमारी अलग अलग एक्टिविटीज में पार्ट लीजिए। थैंक यू जी। जी सर, सर बेसिकली क्या है, अभी हम लोगों को जो मिला है कि जो भी आई थिंक विमेन्स के लिए है बेसिकली, तो जितने भी लोग हैं वो हम सब उनका पार्टिसिपेशन के लिए वेलकम करते हैं। बट अगर ऐसा कुछ है तो मैं एक बार फिर इंश्योर कर आपके टीचर्स को इन्फॉर्म कर दूंगी, तो आपके टीचर्स आपके पर्टिकुलर ग्रुप्स में आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर, तो लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट्री। पंद्रह दिसंबर 1950 स्वतंत्र भारत के एक प्रमुख निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल का बंबई में देहावसान हो गया। 30 से अधिक वर्षों तक वे आजादी के लिए लड़े, जनता की एकता और कल्याण के लिए काम करते रहे। कुछ जन्मजात नेता हुए हैं, कुछ संयोग से और कुछ धन और भाग्य के जोर पर, मगर वल्लभ भाई पटेल अपने गुणों से नेता बने। उनका जीवन लगन, संकल्प, साहस, अनुशासन और परिश्रम का साकार रूप था। अपने एक जन्म दिवस पर वल्लभ भाई पटेल ने कहा, आपके स्नेह ने मेरे दिल को छू लिया है। मैंने शायद कुछ कड़वी बातें कही होंगी, मगर उन्हें दवा की कड़वी खुराक समझिए। वल्लभ भाई का जन्म हुआ था 1875 में। उन्होंने करमसद की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाई शुरू की। नडियाद में पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना भविष्य बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया, पुस्तकें मांग मांग कर अध्ययन किया और वकील बने। पिताजी ने गोद्वाल में वकीलात शुरू की। 2 साल उनकी सुपुत्री मणि बेन ने कहा, पिताजी ने पूरी तैयारी मिलाई जाने की बैरिस्टर होने के लिए। पिताजी ने कहा कि पहले मुझे जाने दीजिए, बाद में मैं जा नहीं सकूंगा। पिताजी मान गए। उनका वहां का सारा खर्चा का बोझ आपने उठा लिया। मैं एक केस चला रहे थे जिसमें फांसी की सजा होने का संभव था, जब माता के देहांत का तार आया। जब वे हत्या के एक मामले में पैरवी कर रहे थे तब उन्हें अपनी पत्नी के देहांत का तार मिला। वे तार को जेब में रखकर पैरवी करते रहे। उन्होंने कहा कि एक की जिंदगी तो गई, दूसरे की तो बचा ले, और उनका मुवक्किल साफ बच गया।
जब उनके भाई इंग्लैंड से लौटे तो वल्लभ भाई के जाने की बारी आई, वे लंदन गए। तब दक्षिण अफ्रीका में श्री मोहनदास करमचंद गांधी इस उधेड़ बुन में थे कि मानव अस्तित्व का नैतिक आधार क्या होना चाहिए। वल्लभ भाई 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में उन्होंने वकालत शुरू की। तब भारतीय नेताओं की सरगर्मियों से उनका कोई वास्ता न था। तब आए गांधी जी। १९१५ में गांधी जी ने गुजरात क्लब में भाषण दिया। बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल उस समय क्लब में ताश खेल रहे थे। उन्होंने गांधी जी की आदर्शवादी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और खेल जारी रखा। लेकिन तब एक विचित्र घटना घटी। 1918 में भयानक बाढ़ आई और गुजरात के खेड़ा जिले की 75% फसल चौपट हो गई। लेकिन सरकार सख्ती से लगान वसूल करने पर तुल गई। गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ने का फैसला किया। तब वल्लभ भाई को एहसास हुआ कि गांधी जी वास्तव में कर्मठ पुरुष हैं। वे सत्याग्रह आंदोलन में जूझ पड़े और उन्होंने वकालत छोड़ दी। गांधी जी ने कहा था, अगर वल्लभ भाई साथ न देते तो सत्याग्रह सफल न होता। 1919 में ब्रिटेन ने बदनाम रॉलेट एक्ट जारी किया। इसके अंतर्गत किसी को भी गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकता था। गांधी जी ने इस काले कानून का विरोध करने की आवाज उठाई। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बिना कारण सेना ने शांत सभा पर गोलियां बरसाईं और सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला और घायल कर दिया। अब आजादी के आंदोलन ने जोर पकड़ा। १९२० में गांधी जी ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने की घोषणा की। चरखा आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। वल्लभ भाई भी कांग्रेसियों के समान खादी पहनने लगे। नागपुर में अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रीय झंडा लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी। वल्लभ भाई और विठल भाई नागपुर गए। उन्होंने झंडा सत्याग्रह की अगुवाई की, जिसे शानदार सफलता मिली। किसानों की हालत खराब थी। 1920 में चीजों की कीमतें गिर गई थी, किसानों को घाटा हो रहा था, मगर सरकार और ज्यादा लगान वसूल करने पर तुली हुई थी। बारडोली के गरीब किसानों ने सरकार से लगान में छूट देने की प्रार्थना की, लेकिन सरकार के कान में जूं टकने रहेंगी। उनकी फरियाद सुनी वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने किसानों से मुसीबतें झेलने के लिए तैयार होने को कहा और बारडोली सत्याग्रह का आयोजन किया। हजारों किसानों ने उनका साथ दिया। बहुत से लोग जेल गए। जमीन, मवेशी, बर्तन भांडे सब जब्त किए जाने के बावजूद लोगों ने सत्याग्रह जारी रखा। अब दुग्गी पीट कर सरकारी अफसरों के आने की चेतावनी दी जाती, कोई बाहर नहीं निकलता, दरवाजे बंद कर लिए जाते। सारा देश दम साधे हुए 9 महीने तक इस संघर्ष को देखता रहा।
श्री के मुंशी ने कहा, ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। सरदार ने बड़ी हिम्मत से बारडोली की 80,000 किसानों को अपने साथ लेकर सत्याग्रह चलाया। मेरे लिए यह एक महान घटना थी। सत्याग्रह सफल हुआ। सरकार पुरानी दर पर लगान वसूली के लिए तैयार हो गई। उसने जांच का आदेश दिया। बारडोली सत्याग्रह के बाद वे सरदार कहलाने लगे। उन्होंने देश भर का दौरा किया, किसानों की सेवा का बीड़ा उठाया। अब बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्ति महात्मा गांधी के साथ हो गए। '28 में साइमन कमीशन भारत आया संविधानिक परिवर्तन की सिफारिश करने, मगर इस कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी मेंबर न था। कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। एक शांतिपूर्ण जुलूस में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बेरहमी से पीटा गया। बाद में गहरे जख्मों ने उनकी जान ले ली। सारे देश में दुख और क्रोध की लहर दौड़ गई। आजादी की इच्छा और बलवती हो उठी। लाहौर में 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में लोगों ने पूर्ण स्वराज्य हासिल करने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प किया। पूर्ण स्वराज्य की मांग को अंग्रेजी हुकूमत ने ठुकरा दिया। गांधी जी ने विद्रोह करने की ठानी, नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। सरदार पटेल को दांडी मार्च के रास्ते भर के लोगों में उत्साह जगाने का काम सौंपा गया। उन्हें रास में गिरफ्तार करके साबरमती जेल में ठोस दिया गया, इसलिए वे गांधी जी की दांडी यात्रा में शरीक न हो सके। '31 में सरदार पटेल कराची कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उसी वर्ष गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में शरीक होने लंदन गए। सम्मेलन सफल नहीं हुआ। इधर स्वदेश में किसानों पर ज्यादा अत्याचार होने लगा। वापस लौटने पर गुरु और चेला दोनों यरबड़ा जेल में बंद कर दिए गए। जब जेल में उन्हें पता चला कि सरकार बारडोली आश्रम को बेच रही है, तो वल्लभ भाई ने हंसी हंसी में कहा, ठीक ही तो है, हमने भी तो उनकी जेलों पर कब्जा कर लिया है। सरदार पटेल बीमार थे, फिर भी वे हंसी मजाक से बाज नहीं आए। नजरबंदी के दौरान उनकी माता और बड़े भाई विठल भाई पटेल का देहांत हो गया। 1936 में कांग्रेस ने प्रांतीय विधानमंडल की चुनाव लड़ने का फैसला किया। सरदार पटेल उम्मीदवार चुनने वाली उप समिति के अध्यक्ष बने। 10 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ये कांग्रेस की लोकप्रियता का प्रमाण था। जब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ा, तो वायसराय ने ऑर्डिनेंस जारी कर भारत को भी युद्ध में घसीट लिया। हमारे नेताओं से सलाह तक नहीं ली। कांग्रेस इस लड़ाई में अंग्रेजों की मदद करने को तैयार थी, बशर्ते लड़ाई समाप्त होते ही भारत को आजाद कर दिया जाए। मगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना था कि भारत पहले डोमिनियन स्टेटस के लायक तो बने,
कांग्रेसी सरकार ने त्याग पत्र दे दिया और लोगों से कहा कि वे अंग्रेजों की लड़ाई में मदद न करें। 1942 में जब जापानी भारत की सीमा पर पहुंच गए तब रूजवेल्ट ने चर्चिल को भारतीय समस्या का हल ढूंढने के लिए मजबूर किया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर आए और भविष्य में आजादी दिलाने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस अंग्रेजों की चाल समझ गई, उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बंबई 8 अगस्त 1942, कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया। सरदार पटेल ने कहा अब भारत किसी भी कीमत पर गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा। गांधी जी ने भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखा, हमारी लड़ाई अंग्रेज लोगों से नहीं है, ये तो सरकारी नीतियों से है। उस रात देश के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सरदार पटेल को अहमदनगर किले में बंद कर दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी जी और दूसरे नेताओं को नजरबंद कर दिया, मगर वो उनकी आवाज को दबा नहीं सकी और सारे देश में भारत छोड़ो का नारा गूंज उठा। जनता के आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, 1000 से ज्यादा लोग गोली से भून दिए गए और 2000 से अधिक जख्मी हुए, 1,00,000 से ज्यादा जेलों में ठूसे गए। इतिहास में कहीं भी इतनी बड़ी जनक्रांति की मिसाल नहीं मिलती। यूरोप में लड़ाई समाप्त हुई, सभी भारतीय नेताओं को रिहा कर दिया गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने सांविधानिक रद्दो बदल पर बातचीत के लिए उन्हें शिमला बुलाया। दुर्भाग्य से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद होने के कारण कोई नतीजा नहीं निकला। घटनाएं घटती गई। जब जापान ने हथियार डाल दिए तब मजदूर सरकार ने ऐलान किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए चुनाव होगा। कांग्रेस को केंद्र और 8 प्रांतों में बहुमत मिला। कैबिनेट मिशन आया। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप और मिस्टर एबी अलेक्जेंडर सत्ता सौंपने के बारे में समझौता कराने आए। इस काम में सब राजनीतिक दलों का एकमत होना निहायत जरूरी था। मगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मतभेद मिट न सका, इसलिए कैबिनेट मिशन ने समस्या का हल सुझाया। संविधान सभा स्थापित हुई, जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी। सरदार पटेल ने गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभाला। आखिर मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हुई, लियाकत अली वित्त मंत्री बने, मगर मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने पर अड़ी हुई थी। देश भर में दंगे हुए, देश का बंटवारा करना जरूरी हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय बने। सभी पार्टियों ने निश्चय किया कि 15 अगस्त 1947 को दोनों आजाद डोमिनियनों को सत्ता सौंप दी जाए। स्वाधीन भारत की पहली सरकार में सरदार पटेल गृह मंत्री बने। उनके सामने कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों की गंभीर समस्या थी। सरदार ने कहा हम इस समस्या का सामना करेंगे और कामयाब होंगे। रेस्क्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री
इसके बाद सरदार 500 देशी रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने के काम में जुट गए। लेकिन ये छोटे छोटे जो वाड़े हैं उससे बहुत नुकसान होता है, और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है इस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास है, वो गुमाना नहीं चाहिए। देशी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलीनीकरण शायद सरदार पटेल की सबसे बड़ी कामयाबी थी। गांधी जी की हत्या से सारा देश अनाथ हो गया, सरदार को गहरा सदमा पहुंचा, पर उन्होंने कहा कि आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, हमें गांधी जी के आदर्शों को साकार बनाना है। रघुपति राघव आचाराम सतीत पावन सीता। यद्यपि सरदार का स्वास्थ्य खराब था फिर भी वे सारे देश का दौरा करते रहे, अपने आचरण से लोगों में लगन और अनुशासन की ज्योति जगाते रहे। वे वास्तव में भारत के लौह पुरुष थे। गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड लेबर मस्ट ऑल, क्या सरकार क्या उद्योग क्या मजदूर, सबको राष्ट्रीय भावना से काम करना चाहिए। अगर देश डूबा तो हम भी डूब जाएंगे, खुशहाल हुआ तो हम भी खुशहाल होंगे। Who flourishes if the country sinks into economic slavery? Who sinks if the country prospers? इस महान देशभक्त लौह पुरुष का हृदय नम्रता दया और भारतीय जनता के लिए असीम प्रेम से भरपूर था। वे वास्तव में भारत की महान सेवक थे, सच्चे देशभक्त थे और थे भारत की आजादी के निराले सेनानी। Thank you.